अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ये रेनबो ट्राउट फिश है। बहुत ज़बरदस्त बनती है और बहुत ही डिलीशियस होती है। इसको किस तरह बनाते हैं, इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए देखते हैं इस शॉर्ट वीडियो क्लिप में। ये मैंने फ्रोज़न ट्राउट फिश ली थी, रेनबो ट्राउट फिश, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। मैंने पहले कई दफ़ा ट्राई की हुई है। तो इसके लिए हम लोग मसाला तैयार करते हैं। 3 टेबल स्पून जो है हम लोग ये मेल्टेड बटर ले लेंगे और इसके अंदर जो है हम लोग 1 लेमन जूस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम लोग चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम लोग साबुत धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम लोग ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम लोग अदरक का जिंजर पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपके पास जिंजर पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश अदरक भी पेस्ट बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, अगर आपके पास गार्लिक पाउडर भी नहीं है तो ये भी आप जो है गार्लिक को लहसुन को पीस के उसका पेस्ट बना सकते हैं। 1 टीस्पून ये मिक्स हर्ब हैं, ये आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। अगर मिक्स हर्ब आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, आप फ्रेश हर्ब भी यूज़ कर सकते हैं लाइक कोरिएंडर, मिंट और जो भी आपकी पसंद के हैं, पार्सले वगैरह। सॉल्ट टू टेस्ट इसमें शामिल कर लीजिएगा। 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम लोग ऑलिव ऑयल शामिल कर लेंगे। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लीजिए पेस्ट को। जी फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा बेहतरीन जो है इसका ये पेस्ट तैयार हो गया है फिश के लिए। तो अभी हम इसको फिश पे अप्लाई कर देते हैं। फिश को जो है आप इस पेस्ट को आप इस पर अप्लाई कर दीजिए। ये हमने तमाम जो है पेस्ट फिश पर अप्लाई कर दिया है इसको अच्छे तरीके से। इसके अंदर जो है मैं ये एक एक लेमन रख लूँगा पीस बना के स्लाइस का। इसके अंदर बेहतरीन टेस्ट आपको ये मिल जाएगा इसका। तो अभी हम इसको फॉइल को कवर कर लेते हैं। हमने जो है फिश को फॉइल में अच्छे तरीके से लपेट के ट्रे में रख लिया है। अभी मैं इसको ओवन में रखूँगा मिनिमम जो है 20 मिनट्स 180 डिग्री सेल्सियस पे, फिर इसके बाद मैं आपको शो करता हूँ। जी दोस्तों, ये ओवन से जो है हमने अपनी मछली निकाल ली है, तो इसकी मैं फॉइल हटा के आपको दिखाता हूँ। अभी बहुत हॉट हो रहा है ये देखें नाज़रीन, ये कि हमारी ये फिश जो है ज़बरदस्त जो है निकल चुकी है। इसका ये बेहतरीन देखिए जूस बना। अभी मैं इसको जो है 5 मिनट तक इसको ग्रिल करूँगा, खाली ग्रिल करके मैं डायरेक्ट आपको डिश आउट करके दिखा दूँगा। जी फ्रेंड्स, इसको जो है हमने ग्रिल कर लिया है और इसका देखें कैसा ज़बरदस्त और बेहतरीन ब्राउन कलर आया है। और इसको आप चटनी के साथ, चपाती के साथ, बॉयल्ड राइस के साथ आप इसको सर्व कीजिए। और आज की रेसिपी को अगर आपने इंजॉय किया है तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। अगर आपका ये पहला विजिट है मेरे चैनल में तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ आके फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।